हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल? उम्मीद करता सारे वीर भरा सज्जन मित्र ठीक ठाक होवोगे। ते हमजा बिलोंग दे नाल अज फिर एक बारी ते अपने यार बेली मित्र भी अपने नाल मौजूद ने, असद साहब ते आ पठान। आ टोपी जी ला सिर तो खान। अच्छा जी, उम्र से नहीं गया, जो बात है सच वो बता। इस बंदे ने आप शेव करता रहा, शेव करते करते इतने कन के कोल ला लिया टाके ने, ते मुड़ के आ भी मशीन फेर ली है। आप सुनाओ की हाल चाल? शुक्र अल्लाह पाक दा, तुसी सुनाओ? सेहत भी है, ठीक है जी। वधिया भाई जी, वधिया। तुसी सुनाओ? हाँ जी खान साहब, बस अलहमदुलिल्लाह। अल्लाह वालेकुम नाजरीन, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सेहत भी है, ठीक है, राजी हो? अवैध साहब थोड़े जे ना अज मायूस बैठे ने, ते इन्हां ने पोया सी कैश दा आर्डर, ते इन्हां दे नाल ता स्कैम हो गया, ठीक है जी। ते ओ अज इन्हां दे नाल इन्हां को डिस्कस करदे आ वी की मसला बणिया, इन्हां ने कैश पोया। हाँ जी अवैध साहब भाई। जनाब घर जो कटिया ना बहर खाना। अच्छा, रुड़े पे किन्ने रियाल जो देख लो असल साहब लूणी खीर ही खाते, मिठा इन्हां लोगां च है ही नहीं, मिठा खाते नहीं ना, ये ग्यारहवीं का खत्म दवाया मिठा इस तो नहीं ना खाते है, पर मिठा बोलना पैदा अद्धी तो ज्यादा दे बंदे शुगर है इन्होंने सौदियां ना, बोतल पी सकते हैं ना, इस ताजी कोई खा पी सकते हैं, आ खाई जाने सारी जड़ी गोश्त खा खा के बीमार हो पे है। कम ऐसा लगा मेरा मजाक गड्डिया बह गए, बाहर गड्डिया च निकले, एसी च वड़ के फिर बाहर आ काम है इन्हों का, रात को निकलना इन्होंने कावे बना बना खजूर नाल खाई जाते, वो वजह तो इन्होंने हुई है शुगर, तो लूणिया चीज़ा ज्यादा इस्तेमाल करते, बाकी भैंस भाई के दर्द का गाला करते हैं। सुबह अस्सी रियाल नुकसान हो गया, अपना चलो खादा ही खादा, लेकिन जेड़ा दूसरा नुकसान हो पाकिस्तानी पैसों का हिसाब लाइए ना, कुछ खा सकते ना कुछ पी सकते, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਡੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੋ ਵੀਰ, ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਹਜੇ 52 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸਿਰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। लो जी आर्डर उडर दो तीन पल आ के चाह का फिर टाइम हो गया, 5 बज गए है ना जी। अज अपने हैगे अजीज साहब नाल चाह ते इनवाइट किया इन्होंने, हूँ पता नहीं चाह पिया के मुड़ के कह चलो अपने पल्यो पैसे दो। ये सर द्वार अकबर बूटी के गांव से है, और ये सबसे पहले आपको एक बात बताते चले अजीज भाई की, ये उर्दू ही बात करते हैं, पंजाबी इतिहास संघ है, तो हाँ जैसे हमारा आप बोर्ड के नजर आ रहा होगा आपको, तो ये है कि अजीज भाई की सबसे पहली बात ये है कि मैं और अजीज एक जाज में इकट्ठे आए थे। अजीज भाई कैसी फीलिंग थी आपकी वो दिन? यार वो दिन तो मुझे कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो दिन ही अच्छा था, माशाल्लाह अच्छे दोस्त मिले। तो अच्छा, आप अपने ऊपर ऊपर से कह रहे ना अच्छे मिले। नहीं वो एक बात होती है ना यार, जब फ्लाइट एक बार पहली पहली मरतबा था, पता तो कुछ भी नहीं था यार, फ्लाइट जब उड़ने लगी ना तो एक झटका बड़ी जोर से उसने दिया, दिल ऐसे बैठ गया, मैंने बोला खुदा को प्यारा हो गया। आधे घंटे के बाद फिर पता चल गया ठीक हूँ। यार अजीज भाई ने मुझसे एक बात कंफर्म की, जहाज में बैठे हुए इसके जहाज से पायलट से पूछ इसको चलाना भी आता है कि नहीं? नहीं उसने असद भाई ने पूछ लिया था उस टाइम जाके, मैंने कहा भाई चलाना आता है, कोई मसला मसाला है तो बता दो, हम खुद बैठ जाते हैं। तो आपने खुद क्यों नहीं चलाया? नहीं वो क्योंकि हम इतना नहीं, वो मसला ये है कि जो ये जहाज था ना जो इसमें हम आए थे,
ये जहाज ऑटो ये मैनुअल था, हम ऑटो चलाते रहे। मैनुअल का क्लच अच्छे तरीके से काम नहीं करता ना, तो इस वजह से मुश्किल है। भाई भी इतने ट्रेन नहीं थे उसके, तो फिर इसने पायलट को कहा तू खुद ही चला। और जब A few moments later. तो वापस जाएंगे तो आप खुद चलाकर जाएंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कि हम जब से अजीज भाई अब लेने जा रहे हैं नया आईफोन, और इंशाल्लाह हम इनको बहुत जल्द मुबारकबाद देंगे, और ये मुझे बार बार कहते हैं कि मुझे आईफोन लेके दो। अब अगर भाई आप ये बताएं कि इसको आईफोन लेके देना चाहिए नहीं, मैं कहता हूँ कि इनको मैं टीका ना लगाऊँ इतना बड़ा। भाई जी लैके देना चाहिए क्योंकि अपने अजीज भाई बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हैं। पहला भी इन्होंने मैंने अपनी वीडियो शेडियो दिखाई टिकटॉक से, इन्हों का अकाउंट से बड़ा बेहतरीन जिद अपनी शेरो शायरी करते थे। तो इनशाला आईफोन ये पिंड ही छड़ आए हैं, तो इतने सोचा सी भी बाहर जाके सस्ता मिलेगा, तो इतने आन के ना ये हूँ लभते फिरते। कि लै रहे अपने अजीज भाई यार? अभी फिलहाल ना छोटा ही दिल, अभी इतना यूज नहीं कर सकते, आपको पता है काम करना प्रेशर है पूरे जमाने। पाकिस्तानी खर्चने पे, यानी कि ये कह रहा था कि मैं 3 लाख रुपया खर्च लूं 4 हजार का 14 प्रो मैक्स ले लूं। मैंने इसमें बोला है 14 प्रो मैक्स ना ले, तुम छोटा मोबाइल लो, ताकि ये है कि उसमें तुम पाकिस्तान में जब जाते हुए बड़ा मोबाइल ले जाएंगे ना, तो ये है बड़ा मोबाइल पाकिस्तान जाते हुए ले जाएंगे, छोटा मोबाइल लो। तो दरअसल भाई बात है ना, क्योंकि दिल करता था बड़े मोबाइल लेने, शौक बना कर तो एक बार ही कर ले, तो भाई ने बताया कि अभी सब्र कर क्योंकि छोटा मोबाइल ले ले चूज कर ले, शौक का कोई मोल नहीं होता। ये बात है, मैंने बोला ठीक है चलो आपकी बात सही है, फिर छोटा मोबाइल लेते हैं, यहाँ पे गिरने का बहुत खतरा होता है, हम खुद भी गिर जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है, होता रहता है, वैसे काम का प्रेशर ज्यादा है तो इतना बड़ा चूज नहीं। जो बंदे ने मुकदरा को माड़ा काम लिखा है ना, वो इतने भी हो जाना, पाकिस्तान भी रह के हो जाना, इतने भी हो जाना। कोई बंदा इस गल तो ना घबरावे यार, वो राइडर का काम बड़ा गंदा है, फलाना है ढमकाना हो जाता है यार। पाकिस्तान में भी मेरा कल दोस्त का एक फोन आया, मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसने मुझे बताया कि यार मेरी टांग टूट गई, मैं उधर रक्षा खड़ा था, खड़े रक्षे में जा गए यानी कि बच गया, अल्लाह माफ करे। तो हो जाता है घाटा वादा, पाकिस्तान में भी हो जाता है, इधर भी हो सकता है इंसान के साथ, इस तरह की कोई परेशानी नहीं, जितनी जिंदगी मुकदरों में लिखी है वो आपको मिलनी है। और दूसरी बात इंशाल्लाह जल्दी आईफोन मंगवा रहे हैं। दूसरी बात मैं भाई को ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि 1-2 महीने यहाँ पे आप आओगे फिर आपको 1-2 महीने दिक्कत होगी, उसके बाद आप रोडों का सिस्टम का हर चीज का पता चल रहा है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप काम भी जबरदस्ती से करोगे, ऑर्डर भी अच्छे तरीके से मारोगे। पहले हम ऑर्डर मारते थे 8-7, आपको खुद को भी पता है, अभी माशाल्लाह मारते हैं 21-22। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो वर्दी है हमने पहनी हुई, लोग कहते हैं कि ये बल्दिया की वर्दी है। भाई जी बिल्कुल सच्ची गल है, कोई झूठी नहीं है, सऊदिया दे विच बल्दिया दी लो जी चाह आ गई अपनी है, ते सऊदिया दे विच बल्दिया दी वर्दी है, हो जी ते हंगर दी वर्दी भी है, इसी तरह की बल्दिया की वर्दी है, वो जब पहनी होती है पीले रंग के जो सफाई के करने आते हैं, लेकिन वो कम पहनते हैं, वो लीड़े ही पहनते हैं, ज्यादा लीड़े पहनते हैं। वो हमारे जागत भाई आप देख रहे हैं पीछे, वो जागत भाई आ गए हैं, जागत भाई इधर आओ, जागत भाई की खसूसी बात बता दें, ये हमारे साथ चाय पीना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हम भी पसंद नहीं करते ना थोड़ा क्योंकि ये चाय को हाथ लगाए तो बलैल बन जाती है। जागत भाई अगे तेन दसे उदन तेरी ए लड़ाई हुई सी, बड़ी औखी सलाह हुई ए, मैंने इनसे माफी मांगी है, गोडों को हाथ लगाया है, पांव को हाथ लगाया, फिर मुझे जाके ना हूं दोबारा गोडियां नु हाथ लाने आवे है। जागत भाई आप कुछ बोले, ये अदीर बीबा बन यारों का यार, यारों का यार अदीर, दुश्मनों का दुश्मन सबसे पहले लो जी दुश्मन का दुश्मन, ब्रोचों की दुश्मनी मशहूर है, लेकिन ये इनको भी आप पीछे काट गया है, ये ज्यादा मार गया। असल ना गल होंदी है सारी इज्जत दी, बंदा जब तक इज्जत देना रहा दूआ बंदा समझदा कि बिल्कुल थल्ला ही लगा पिया, तो जिस टाइम जब तक बंदा बोला ना ना दूआ बंदा आना हूं तो मैं इन्हू दबी ही रखा है, बोलता क्यों नहीं, फिर बोलता है फिर कहते तू बोलता क्यों है। बस असद बस ऐनी करोड़ी सी तू है यार, अदीर भाई हमारे यार, मैं इनको कहता हूँ कि आप बोला करें आगे,
ये बस बोलते नहीं है, जब बोलते हैं बुरा ही ए बोलेगा नहीं, ए तेरे हिट मारेगा चलावी दूर हो, जेडे कहंदे नहीं है तेरे में चलावी हिट मारनी। ब्लॉग में बंदे ज्यादा जुड़ चुके हैं, ज्यादा हम ब्लॉग को बंद करते हैं। ये अच्छा साहब हुण महसूस कर रहे हैं, हुण अच्छा साहब महसूस कर गए ने जगत भाई दी। ठीक है जी, तो जगत भाई चले दूसरे टेबल से, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के। उन्नी देर तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, मित्रों दुआवां याद रखो, तो रब राखा जी।